मेरा नाम आईडी भारद्वाज है, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ और हुड्डा में मेरा निवास स्थान है। अभी आपने कहा था कि 1,00,000 रुपये इनाम आपकी तरफ से घोषणा की गई थी। हाँ, ये ऐसा है, देखो ब्राह्मण समाज सारे समाज को साथ लेकर के चलने वाला है, इसका किसी भी जाति के साथ विरोध नहीं है, सभी जातियों का जो है ये आदर सत्कार करने वाला है। लेकिन यदि कोई भी किसी भी जाति का यदि ब्राह्मण समाज को ललकारेगा तो उसका ऐसा बुरा हाल किया जाएगा जिस पर राजकुमार सैनी ने ब्राह्मण समाज को जो है अनाप शनाप जो इसके बारे में कहा है, गाड़ी गलौज दी है, ऐसी बातें की हैं जो मैं मीडिया के सामने रख नहीं सकता। इसका विरोध करेंगे, जहां जहां जाएगा पूरे हरियाणा में जो इसका विरोध होगा और इसको राजनीतिक रूप से भी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। हमारे नौजवान साथी या हमारे इस जाति ने जब भी ब्राह्मण समाज ने जब भी अंगड़ाई ली है तो इतिहास बदल करके रखा है। तो राजकुमार सैनी को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक बुद्धिजीवी कौम के बारे में आप ये जो है अनाप शनाप बातें कर रहे हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए खतरनाक होगा और आपके लिए जो है आने वाले समय में आपके जो है इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। या तो ये माफ़ी मांगे सारे समाज के सामने और नहीं सारे हरियाणा में इसका जो है बायकॉट किया जाएगा। 1,00,000 रुपये नाम रखा है, सही है सर बात? 1,00,000 रुपये बिल्कुल सही है, जो काला मुंह करेगा इसका चाहे कोई भी जाति का हो, जो किसी जाति के बारे में, हाँ उसको 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा 1,00,000 रुपये? जो काला मुंह करेगा इसका। हाँ जी, तो 1,00,000 रुपये इनाम आप नगद देंगे सर? हाँ, 1,00,000 रुपये इनाम नगद देंगे। नगद देंगे और समाज के माध्यम से मिलेगा, नगद मिलेगा। आप अपने पर्सनल कोष से देंगे? नहीं, मैं पर्सनल कोष से दूंगा, मैं अपना खुद ही जाऊँ, मैं अपनी नई कमाई से 1,00,000 रुपये दूंगा। जो इस प्रकार ऐसे जो कुत्ता जो राजकुमार ऐसी बात बयान जो है करने वाला है ब्राह्मण समाज के बारे में, किसी भी जाति के बारे में हो, हमें किसी भी जाति के बारे में कोई भी बुरा नहीं करना चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए और एक ब्राह्मण जाति ऐसे जो सारे समाज को प्यार से लेकर के चलने वाली है। आपने ये जो शब्द कहे हैं ये ब्राह्मण समाज के युवाओं के लिए कहे हैं या फिर सबको कहा भी कोई भी कालम पर गया सबके लिए ऊपर है कोई भी, ये कोई भी अगर करना चाहे, कोई भी चाहे ब्राह्मण समाज का हो चाहे दूसरे समाज का हो, अगर है तो समाज का मान है ये, अगर दूसरी जाति का भी अगर काला मुंह करना चाहेगा तो उसको भी 1,00,000 रुपये। राजकुमार बाहर क्यों नहीं आ रहा जो है, ये जो है दोषी है, दोषी आदमी का जो है कैसे बाहर आएगा, उसको पता है आत्म गिल्टी, आत्म जो उसको जो है अपने आप पे पछताओ रहा है ये बात कह करके, आत्म ग्लानी है इसको जो है, इसलिए बाहर नहीं आ रही है। चैलेंज भी दिया था कि कोई भी ब्राह्मण समाज का नेता है, उसको ये नहीं पता ब्राह्मण समाज जो है क्या है, उसको आखिर शुरू से लेकर के जन्म से लेकर के ब्राह्मण की आखिर तक अंतिम संस्कार तक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। इतने बड़े विद्वान है ये तो विद्वानों के आगे ठहर ही सकता, और इस मूर्ख से क्या जो है शास्त्रार्थ करें, ये तो मूर्ख है, शराबी आदमी है ये, ठीक है ना। तो ब्राह्मण समाज में इतने इतने विद्वान है जो मुंह काला करके आएगा उसको आप 1,00,000 रुपये देंगे, लेकिन जो केस पुलिस द्वारा लगेंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी है जी? सारे समाज की होगी, पूरे समाज की है। तो आप अकेले दे रहे हैं ना? हाँ, फिर पूरा समाज की है, समाज की तरफ से कह रहा हूँ मैं भी, ये पूरा समाज की है। कमेटी बननी है अभी? हाँ जी, कमेटी बनेगी, सारे समाज ही जिम्मेवार है, अगर उसका मुंह काला करेगा पूरा समाज है, कमेटी का निर्णय है, ये किसी एक बंदा का निर्णय नहीं है, ये मेरा निर्णय नहीं है, ये अगर मेरे ऊपर केस नहीं चला के सारे समाज के ऊपर चलेगा, चाहे उसको छुड़वाएगा कौन युवा को जो मुंह काला करके आएगा? समाज छुड़वाएगा। मैं सुशीला शर्मा प्रदेश ब्राह्मण अध्यक्ष हूँ महिला विंग की। क्या कहना चाहोगे राजकुमार सैनी को जी? राजकुमार सैनी को चैलेंज करती हूँ, भाई बिल में ना छुप, जैसे तू 4 साल पहले बिल में छुपा था, अब तेरे को बिल के बाहर निकाल लेंगे, हम ब्राह्मण समाज वाले हैं, हम मंत्रों से जब बाहर निकाल सकते हैं और तेरे को तो बाजू पकड़ के बाहर निकाल देंगे। आप कौन कौन, हमारे ब्राह्मणों के पास तो इतने मंत्र हैं, जब हम लोग ये कहते हैं कि जन्म, ये बताओ अगर हमारे अंदर इतनी ताकत, बच्चा जन्म लेता है तो अब ब्राह्मण को क्यों बुलाया जाता है? हमारे अंदर कोई ऐसा भगवान ने ऐसे संस्कार दिए होंगे, हमारा विवेक ऐसा होगा, बुद्धि ऐसी होगी, ये तभी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। अदर बराबर ये नहीं है कि कोई जाति छोटी है कोई जाति बड़ी है, जाति सब सबका क्या है, जैसा कर्म वैसा उनको जाति के बांटेगा। यहाँ पे कह रहे थे जी 1,50,000 रुपये देंगे भाई जो मुँह काला करके आएगा, आपने कहा कि मैं मुँह काला करके आऊँगी? ऐसे जी ना, मैं पैसा लूँगी अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए अगर मुझे गोली भी खानी पड़ी छत्री बिरादरी के लिए, जो बंदा एक कल उसने जाटों के खिलाफ जहर उगला था, आज वो ब्राह्मण के और राजपूतों के लिए उगल रहा है,
तो ऐसा इंसान इस देश में क्या इस धरती पे रहने लायक नहीं है। अगर उसके लिए मेरे को आगे आना पड़ा तो मैं अपने बलिदान देने के लिए तैयार हूँ और उसका मुंह काला करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो फिर मैम आप आगे जाएंगे मुंह काला करने के लिए या फिर किसी युवाओं को भेजेंगे आगे जाने के लिए? ये तो एक सस्पेंस रहेगा, आपको थोड़ी बताऊंगी। मुझे मैंने बोला कि मैं करूंगी तो मैं का मतलब मैं होता है, वो किस तरीके से करूंगी वो मीडिया को पता लग जाएगा कि कब उनका मुंह काला किया गया। इसको ऐसा माना जाएगा कि कोई भी उसका मुंह काला करेगा उसके पीछे सुशीला शर्मा है? नहीं, पूरा समाज है जी, पूरा समाज, पूरा समाज है, ये ब्राह्मण समाज और छत्ती बिरादरी। अभी ब्राह्मण समाज ने जैसे मीटिंग के लिए पंचायत कमेटी बनाएंगे, अभी उस पर निर्णय आना बाकी है, लेकिन उससे पहले समाज का निर्णय। देखो, हम एक शांति प्रिय समाज रहा है और छत्ती बिरादरी भाईचारे का समाज रहा है, हम कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद कुरुक्षेत्र में हमारी एक बड़ी पंचायत होगी, जैसे ही वहाँ जो निर्णय होगा उसके बाद मीडिया को बता दिया जाएगा कि अगला हमारा क्या उसका हरियाणा में, ये नहीं है कि उसको बख्शा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। 48 घंटे का वो अल्टीमेटम दिया गया था, नायब सैनी जी ने आके अपनी स्टेटमेंट दे दी है, वो उसके लिए नहीं था, हमें सैनी समाज के लिए था कि सैनी समाज ये क्लियर करे क्या उस कुत्ते के साथ है या छत्ती बिरादरी के साथ है। तो उस नायब सैनी जी ने अपने आगे आके स्टेटमेंट दी है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और सैनी समाज बुरा नहीं है, कोई समाज बुरा नहीं होता, एक आध गंदे इंसान पैदा हो जाते हैं वो गंदे होते हैं, ना कि समाज गंदा होता है। ऐसे लोग अपने समाज में कलंक है और उसी समाज को उस कलंक को हटा देना चाहिए। अभी कोई निर्णय हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा निर्णय जो हमारी बनेगी मीटिंग कमेटी बनेगी, उसके बाद आपको मीडिया के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मुंह काला करने वाले निर्णय अभी नहीं है, ये एक जोश होता है और उसको एक चेतावनी दी जाती है। मैं अशोक कुमार शर्मा, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। हमारा सिर्फ आज जो पंचायत थी, ब्राह्मण सभा थी, जो भी एक कमेटी यहाँ गठित हुई, वो जो निर्णय लेगी समाज को सर्वमान्य होगा। और दूसरी, हम आप मीडिया के माध्यम से सभी समाज के लोगों से यही आग्रह करते हैं कि इसकी जो ऑडियो क्लिप आई है उससे लगभग साबित हो चुका है कि ये आदमी किस एजेंडे पे चला हुआ है और ये क्या करना चाहता है। तो हमारा सरकार से भी यही अनुरोध है कि आप इस आदमी को संज्ञान में लें और इसकी पूरी इंक्वायरी करें गृह मंत्रालय के द्वारा, भी आदमी के पास फंडिंग कहां से होती है और किस प्रकार के एजेंडे के साथ ये चला हुआ है। क्योंकि आने वाले समय में ये व्यक्ति इतना भेदभाव पैदा कर देगा कि व्यक्ति जो हमारा समाज था, जिसमें हम सब एक देश में रहते हैं, भारतीय हैं, तो उसके ताने बाने को ख़राब कर देगा। तो हमारा मीडिया के माध्यम से यही प्रार्थना है कि आप सरकार से यही आग्रह करते हैं कि आप लोग इसको संज्ञान में लेकर, क्योंकि ये ऑडियो क्लिप इसकी अपनी ओरिजिनल क्लिप है और ये लगभग सभी हरियाणा वासियों के पास जा चुकी है। तो सरकार जब CBI, ED जो भी प्रयोग करना चाहे इसकी इन्वेस्टिगेशन में, वो करे और दूध का दूध पानी का पानी करे, और बड़ी जल्दी लोगों को पता चल जाएगा कि इस प्रकार की देशद्रोही जो ताकतें हैं वो इस देश को जो खोखला कर रही हैं, उनका नंगा होना बहुत ज़रूरी है इस समय। जी सर, उनकी तरफ से पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उनकी तरफ से भी चैलेंज किया गया था करोड़ रुपए का, भी डिबेट कर ले मेरे साथ आकर के, उसको भी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चैलेंज क्या था, उस चैलेंज के ऊपर क्या था, ये लोग क्या कहते हैं कि परशुराम जी चाणक्य और महाभारत और रामायण काल्पनिक है, हम इसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। वो ऑडियो क्लिप में खुद ये बंदा कह रहा है कि हमें चाणक्य नीति से चलना पड़ेगा, जब चाणक्य हुआ ही नहीं, जब चाणक्य को कोई अस्तित्व ही नहीं था इनके अनुसार, तो वो कैसे डिबेट के लायक है। दूसरी बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति डिबेट के लायक जब बने, हम इसके लिए डिबेट के लिए भी तैयार है। ये व्यक्ति ये कहता है कि ब्राह्मण पखंडी है, जात पात को मानने वाला है, ऊंच नीच को मानने वाला है, और वर्सेस डिबेट ये क्या चाहता है कि हम लोग मूल निवासी हैं और हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मीडिया भी जाके देख सकती है, जो इसकी फैक्ट्री है काले आम के अंदर, वहाँ माता दुर्गा का मंदिर है, जो इसके खेत हैं उनके अंदर इन्होंने पितरों का स्थान बनाया हुआ है, और जो इसका परिवार है वो पूजा पाठ को मानने वाला सनातनी परिवार है। जब ये आदमी पखंड को कहता है तो पहले अपने घर से शुरुआत करे, अपने गांव से शुरुआत करे। अब दूसरी बात, मैं आपके मीडिया से एक बात और इसके आगे चैलेंज करता हूँ। देखिए, ईश्वर चंद विद्यासागर एक ब्राह्मण हुए, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसमें कहा था कि विधवा विवाह जो है, विधवा विवाह को परमिशन दी थी
तो उस विवाह के परमिशन के पश्चात उन्होंने अपने लड़के की शादी एक विधवा के साथ की थी। तो मेरा राजकुमार सैनी जी, जो आप दलितों के मसीहा बनना चाहते हो, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, किसी गरीब वाल्मीकि के लड़के के साथ, अपनी जो भी आपके घर में कोई लड़की है, आपके परिवार में लड़की है, उसके साथ शादी करें, भेदभाव को मिटाएं। और दूसरी बात, जो आपकी LSP पार्टी है उसमें भी किसी दलित भाई को मुख्यमंत्री घोषित करें। तो आप केवल एक चीज़ नहीं कर सकते, हमारे को पखंडी बताते हो, हमने जो ब्राह्मणों ने पखंड किया, अम्बेडकर जी की 4 सिस्टर हैं, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उनकी 4 सिस्टर ब्राह्मणों के घर पे हैं, उनकी शादियां हुई थी। ब्राह्मण कब तक वो करेगा आपके साथ? ब्राह्मण ने पखंड को नहीं माना, ब्राह्मण ने भाईचारे को और देश के अस्तित्व को माना। अगर आप इस पखंड बताते हो इसको, सबसे पहले मैं आपकी मीडिया के माध्यम से उसको चुनौती देता हूँ और कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने किसी परिवार की, अपने किसी रिश्तेदार की दलित के साथ शादी करें, ताकि ये जो आप बोलते हैं ना ब्राह्मणों ने जात बनाई, जाति पाति बनाई, आप क्यों मानते हो ब्राह्मणों को? आप शादी करो ना, करो एक अच्छी शुरुआत, और आप मुख्यमंत्री की घोषणा करो, मैं दलित समाज के व्यक्ति को बनाता हूँ, तो जब ही तो पता लगेगा ना भी पखंडी कौन है, कौन नहीं पखंडी। केवल वोट लेने के लिए आप कह देते हो दलित हमारे भाई हैं, आप शुरुआत भी करो ना उसके साथ। ब्राह्मणों ने तो ये 1947 में भी शुरुआत की थी, अम्बेडकर के समय में भी शुरुआत की थी, आप जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अम्बेडकर जी की जो 4 सिस्टर हैं वो ब्राह्मण के परिवार में है। सर सवाल ये है कि उनका कहना है कि मेरी लड़ाई जो मेरी बात है वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं है, वो अंधविश्वास और पखंडवाद के खिलाफ है। बिल्कुल, आप देखें ये आदमी क्या सहमत है? नहीं, ये आदमी झूठा आदमी है। आप इसके अगर पुरानी वीडियो क्लिप में जाएंगे, जब इसने कैथलीय प्रोग्राम किया था, इस व्यक्ति से एक मीडिया के भाई ने पूछा भी ये जो आपकी लड़ाई है किसके खिलाफ है, इस व्यक्ति ने क्या कहा आपके साथ, आप क्लिप भी निकाल सकते हो, इस व्यक्ति ने क्या कहा, 15% लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जो इस देश का शोषण कर रहे हैं और हमारे समाजों को भी शोषण कर रहे हैं, वो 15% में उसने केवल पर्टिकुलर उसको नहीं कहा जो कर्मकांड करते हैं, उसने पर्टिकुलर बोला है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समाज जो हमारा शोषण कर रहा है, उसमें कहा। ये आदमी हर बार पलटता है, क्योंकि इस आदमी का अपना कोई वजूद तो है नहीं है, सिर्फ वो ऑडियो में इसने बता दिया अभी, मेरे को तो पब्लिसिटी लेनी है, मेरे को तो पब्लिसिटी से मतलब। चलो आपको पता लग गया पब्लिसिटी ले रहे हैं, तो ब्राह्मण समाज क्यों इसको तूल दे रहा है? देखिए, ये ब्राह्मण समाज इसलिए तूल नहीं दे रहा कि इसको नेता बनाने के लिए तूल दे रहा है। आज ये व्यक्ति बोल रहा है ब्राह्मण समाज के बारे में, अगर कल इसकी बोलती बंद नहीं हुई या समाज के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल दूसरा भी खड़ा हो जाएगा, और ऐसा हुआ है। देखिए, जाट समाज ने चुप्पी के साथ इसका 10 साल सत्ता से बाहर रहे, इस चुप्पी के कारण क्यों रहे भी, कई लोग ये ना समझ लें भाई ये जाट समाज है ही ऐसा, लेकिन अगर वह चुप्पी तोड़ देते और इसका कुछ इंतजाम कर देते तो शायद सत्ता तो आए ना आए लेकिन अस्तित्व रह सकता था। तो ब्राह्मण समाज ने उसी घटना से सबक लेके ये सोचा है कि आदमी को सत्ता तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन अस्तित्व से कोई समझौता नहीं करेगा ब्राह्मण समाज, अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा, चाहे इसके लिए मरना पड़े चाहे मारना पड़े। सुख भाई, एक नारायण गढ़काला नाम से इसका लड़का आम आदमी पार्टी की टिकट मांग रहा है, राजकुमार सैनी का लड़का गुलशन सैनी, क्या कहना चाहोगे? अरे मैंने वही तो कहा, ये हाँ, इस व्यक्ति ने सीधा से एक एजेंडा बना रखा है भी, मेरे को पब्लिसिटी दो, मेरे को नेता बनाओ, मेरे को CM बनाओ, लेकिन किसी आदमी को जो आदर्श मूल्य होते हैं उसके, उसे कोई आदमी समझौता नहीं करता, लेकिन ये आदमी आदर्श मूल्य इसके कोई है ही नहीं, ना ये चरित्रवान है, ना ये नशे। एक बात आप सुनिए, अब मीडिया के माध्यम से मैं आप भाइयों से पूछता हूँ, क्या कभी इसने ये कहा कि मेरा समाज या जिस समाज की मैं आवाज़ उठाता हूँ वो नशा ना करे? क्या इसने कभी कहा वो मीट ना खाए? या कभी इसने कहा कि आप लोग अपने जो समाज हैं अन्य समाजों के साथ अपनी लड़कियों की शादी करें? कभी बोला इसने? क्यों नहीं बोलता है ये आदमी? क्योंकि इसको भी ये लगता है कि मैं CM का दावेदार हूँ और इन आदमियों को मैं पागल बनाने जा रहा हूँ, और काली पेट इसलिए तो बोलता हूँ उनको। क्या नाम है आपका? सुधीर नाम है मेरा भाई साहब, गांव करोड़ा है जी। एक आपके चैनल से उम्मीद हो रहा है, अपील भी है भैया, आप एक सीधा CBI जांच करवाइए, इसके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं भाई, ये दंगा फैलाने के लिए इसको बहुत मोटी मोटी पेमेंट आ रही है। एप्लीकेशन दी है आप लोगों ने? बिल्कुल, आज देंगे आज हम, ये इसलिए आज इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं भाई, इस बंदे की CBI जांच की कराओ, इसके बैंक अकाउंट कराओ, ताकि इसकी फंडिंग का पता लगे भी, ये इतना जातिवाद घोड़ रहा है और दंगे करवा रहा है, क्या पता इसके दूसरे देशों के साथ लिंक भी हो सकते हैं, ये इसके दूसरे देशों के साथ भी लिंक हो सकते हैं, ये नेता जो है सरकार के अंदर ही बैठे हैं, ब्राह्मण नेता है ये, अब चीज़ करवाएंगे भाई साहब, क्योंकि अभी इसके जोर से एक ऑडियो वीडियो इसकी कल हमारे पास वायरल हुई है, जिसने स्पष्ट बोल रखा है भी ये काली भेड़ है, अब ये तो पता लगे भाई काली भेड़ कौन है कौन नहीं है,
इसका सारे समाजों को पता लग गया। देखिए काफ़ी दिनों से एक विवाद चल रहा है राजकुमारी सैनी के ऊपर कि वो ब्राह्मणों को आप शब्द बोलता है, जहाँ भी उसकी रैली होती है वावेन मिश्रा जो उसके साथ आते हैं और राजकुमार, जहाँ भी रैली होती है जहाँ भी उसकी मीटिंग होती है वो अलग अलग शब्दों में ब्राह्मण समाज को कटाक्ष करता है। आज जिला कैथल में खड़े हम और इतना बरसात का मौसम होते हुए भी हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी जिलों से आए हुए हैं, सभी गाँव से आए हुए हैं और सभी ने मिल बैठ कर आज एक कमेटी का गठन किया है। 31 आदमी उसमें हमने लिए हैं और 31 आदमी अभी बैठे हैं और जैसा भी निर्णय लेंगे कि उसका विरोध होना चाहिए, उसके खिलाफ़ कोई ज्ञापन देना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से कि किस तरह का हम निर्णय लेंगे, अभी कमेटी बैठी है और बहुत जल्दी ये निर्णय लेंगे ताकि फिर राजकुमार जैसे लोग इस ब्राह्मण समाज को गलत न बोले, कटाक्ष न करें। नहीं है यह साबित हरियाणा की है, उठे कुरुक्षेत्र इकट्ठे हो जाएंगे सारे हरियाणा की धर्मशाला सब पर बेरा पट जाएगा, सारे का सहयोग लेगा, किसी की तो कोई राय किसी की कोई उम्र तो राय नहीं बनती, उठ तो सबकी राय लेकर और जो फैसला आके छेड़ेंगे लोग वो मंजूर कर लियो। हमारे इसमें दो निर्णय हुए हैं, एक तो हम इस आंदोलन को पूरे हरियाणा का आंदोलन बनाएंगे, समय और तिथि डेट आपको बता दी जाएगी। दूसरा ये है हम छत्तीस बरादरी का भाईचारा चाहते हैं, जितने भी और संस्थाएं हैं क्योंकि उन्होंने हर देवी देवताओं के बारे में गलत बोला है, उन सबका सहयोग लेके भाईचारा कायम करने के लिए इसको हम 78 हरियाणा लेवल पे सर्वजातीय आंदोलन के रूप में तैयार करेंगे। हमारी कमेटी का ये निर्णय है, जो भी आगे अपडेट होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा।